तो लाइफ लेसन क्या है यहाँ पर, वन सीज थिंग्स और बींग्स अकॉर्डिंग टू देयर अटैचमेंट। हम कैसे देखते हैं चीज को, हम जिस प्रकार जिस वस्तु और व्यक्ति के प्रति अटैच्ड हैं उसके अनुसार हम क्या करते हैं, वस्तु और व्यक्ति को देखते हैं। ओके ना, तो हम कृष्ण को देख रहे हैं तो इसको वाले कृष्ण को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, भगवान है। ओके, कोई मायावादी है कृष्ण को देखेगा तो कैसे देखेंगे, निराकार है। ओके ना, कोई म्यूजिशियन है कृष्ण को देखेगा तो देखे देखा अच्छा फूल बजाता है। ओके ना, कोई डांस के साथ अटैच है तो कृष्ण को कैसे देखेगा, अच्छा डांसर है। कोई पॉलिटिशियन है पॉलिटिक्स के प्रति अटैच है तो कृष्ण को कैसे देखेगा, पॉलिटिशियन है। यू अंडरस्टैंड ना, कोई गाय चला रहे हैं तो कृष्ण को कैसे देखेगा, ग्वाला है। यू अंडरस्टैंड ना, तो इस प्रकार जिस व्यक्ति जिस वस्तु और परिस्थिति के साथ अटैच है उसके अनुसार क्या करता है, उसका विजन रहता है। इवन भगवान को देखते हैं तो इस प्रकार की भावना रहते हैं, कोई वस्तु को भी इसी प्रकार हम देखते हैं। कोई लोभी व्यक्ति है तो पैसा को देखता है तो क्या सोचता है, मुझे कैसे मिले, लेकिन अटैचमेंट है पैसा के प्रति। लेकिन कोई त्यागी है वो पैसा को देखेगा तो क्या सोचेगा, किसी पैसा में ठीक ठाक परोपकार के लिए यूज कर सकता। ओके, कोई बेवड़ा है पैसा को देखेगा तो क्या देखेगा, वो पैसा नहीं देखेगा, दारू का बोतल ही उसमें देखेगा उसको। ओके ना, तो हर व्यक्ति का, कोई मान लो वुमेन हंटर है वो पैसा नहीं देखेगा, पैसा को देखेगा तो किसको याद आएगा, उसको लड़कियां याद आएंगे कि पैसा लेके क्या करूँगा, एंजॉयमेंट में कैसे करूँ। हर व्यक्ति एक चीज को देखेगा लेकिन उसका अटैचमेंट के अनुसार उस चीज को देखता है। तो शरीर को भी देखेंगे ना, तो कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर कोई साधु शरीर को देख रहा है, सुंदर शरीर को देख रहा है तो क्या देखेगा, वो एक प्रकार के शरीर है जिसकी जिसमें हड्डी है मांस है रक्त है पस है ब्लड है, तो हड्डी मांस ब्लड का एक प्रकार का पैकेट देखेगा, दैट इज एक्जैक्टली त्यागी। लेकिन जो भोगी को कैसे देखेगा, एक प्रकार के एंजॉयमेंट का वस्तु लेकर के देखेगा। ओके, और कोई कुत्ता है कैसे देखेगा, ये आहार के रूप में देखेगा। जैसे हिंदू है गाय को देखेंगे कैसे देखेंगे, माँ है देखेंगे। ओके ना, लेकिन मुस्लिम से गाय को देखेंगे तो मांस के रूप में देखेंगे, तो मांस खाने में वो अटैच्ड इसलिए वो मांस के रूप में गाय को देखते हैं। और ये लोग क्या है, वैदिक शास्त्र के प्रति अटैच्ड है इसलिए किस प्रकार देख रहे हैं, माँ के रूप में देख रहे हैं। तो जो हमारा विजन रहता है अपना अटैचमेंट के अनुसार रहता है, इसलिए अर्जुन यहाँ पर अपना जो अटैचमेंट है फैमिली रिलेशन के साथ फैमिली मेंबर के प्रति, इसलिए वो युद्ध क्षेत्र में भी एज ए योद्धा के रूप में सबको नहीं देख रहा है, एज ए ओपोनेंट के रूप में नहीं देख रहा है, विरोधी पार्टी के रूप में नहीं देख रहा है, एज ए रिलेटिव्स के ऊपर देख रहा है। और जिस प्रकार आपका विजन रहेगा उसी प्रकार की इमोशन आपका हृदय में निर्माण होगा। तो योर इमोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर विजन दृष्टिकोण, तो आपका इमोशन कंप्लीटली विजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो अर्जुन रिलेशनशिप को देख रहा है इसलिए अर्जुन का जो इमोशन क्या होगा आगे हम देखेंगे। इसलिए कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो आपका दृष्टिकोण का आपको बदलिए तो आपका इमोशन को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अदरवाइज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए चेंज योर विजन देन ऑटोमेटिकली योर इमोशन विल बी चेंज। ओके, कोई मान लो अच्छा दोस्त है आपका, थोड़ा बहुत आपको गाली गाली दे दिया तो आपको गुस्सा नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका मित्र है, आपका विजन दृष्टि कैसे देखते हैं, मित्र चलेगा चलता है। ओके, लेकिन आपका शत्रु आपको आपका गुणगान भी करेगा तो आप क्या कहोगे, पता है पता है इसके मन में क्या चल रहा है, यू अंडरस्टैंड ना, क्योंकि आप उसको किसके दृष्टि से देख रहे हो, शत्रु के रूप में। तो आपका विजन क्या करता है, आपका इमोशन निर्माण करता है, इमोशन उत्पन्न करता है। देयरफॉर चेंज योर विजन एंड चेंज योर इमोशन। तो अर्जुन ये सबको देख के अर्जुन के भीतर इमोशन कैसे आता है, दुर्योधन भी देखा अर्जुन को, दुर्योधन भी देखा पांडवों का आर्मी को,
उसका इमोशन हमने देखा है, क्या इमोशन, हम पावरफुल ये लोग हैं, तुझसे हमारे पार्टी में भीष्म है, द्रोण है, हम जीतेंगे, लेकिन तो इस प्रकार के इमोशन है। धृतराष्ट्र देखा, सुना, तो उसका इमोशन अलग है, लेकिन अर्जुन को देख रहा है अपना रिलेटिव को, तो धृतराष्ट्र जब देख रहा था रिलेटिव के हिसाब से नहीं देख रहा, कैसे, ये मेरा प्रॉपर्टी लेने वाला है, प्रॉपर्टी मेरा, प्रॉपर्टी में मेरा राजगति के लिए लोग बाधा है, तो शत्रु के रूप में देख रहा है, दुर्योधन में शत्रु के रूप में देख रहा है, इसलिए उनका जो इमोशन है कुछ अलग हो रहा है, इसलिए विजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इमोशन। किसको भी आप देखो, आप मुझे देख रहे हो तो मेरे प्रति आपका अटैचमेंट क्या है, ओके ना, मुझे आप पॉजिटिवली देख रहे हो तो पॉजिटिव इमोशन आएगा, नेगेटिवली देख रहे प्रभु जी इसी, ओके ना, तो अपने विजन के अनुसार आपका मन में इमोशन आता है। Therefore, if you want to change your emotion, भावना चेंज करना है तो आपको क्या करना है, दृष्टिकोण चेंज करना अत्यंत आवश्यकता है।